हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले 12th कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1, जिसे हम कहते हैं हिंदी में साझेदारी और इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप और गुजराती में कहते हैं भागीदारी। इस चैप्टर को सीखने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा मैसेज देना चाहता हूँ। 12th कॉमर्स के एग्जाम की अब से मोर देन 90 डेज बचे हुए हैं। इन 90 डेज के अंदर अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो आप डैम श्योर के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी अभी तक कोई अच्छी प्रिपरेशन ना हुई है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में नीड है कि सर मुझे अकाउंट में ये नहीं आता, स्टेट में ये नहीं आता, कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट में, 12th कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे उसे इजी वे में वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपको इजी वे में सभी के सभी चैप्टर्स और सभी के सभी सब्जेक्ट आसानी से अच्छी तरीके से आ सके और एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर खड़ा कर सके। सिर्फ अब आपके पास 90 मोर देन डे बचे हुए जिसके द्वारा आप एग्जाम में खड़ा कर सकते हैं बड़ा सा स्कोर। अगर आपने अभी से अच्छी करना शुरू कर दी क्या तैयारी, अगर आप अच्छी सी तैयारी करेंगे तो मैं 100% आपको अच्छी सी तैयारी करवाऊंगा भी। तो आज हम आपका टाइम वेस्ट किए बिना 12वीं का, दैट मीन्स 12th कॉमर्स का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपको 12th की वीडियो की कोई भी सब्जेक्ट की जरूरत है आप 100% कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगा और 12th कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अब आपका टाइम वेस्ट किए बिना चैप्टर 1 में से जो हमारे सम आते हैं उस टाइप के मैं सम सॉल्व कराने जा रहा हूं। पहला जो मैं आपको सम सॉल्व करा रहा हूं वो आपकी बुक में है, क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन। सम को सॉल्व करने से पहले, अकाउंट सॉल्व करने का नियम, पहले आपको सम अच्छी तरीके से रीड करना है, ध्यान रखना। अकाउंट में अगर आपको अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो सबसे पहले आपको सम अच्छी तरीके से रीड करना है। एक साझेदारी पेढ़ी में प्रति मास के अंत में, यानी प्रति मास के अंत में, गुजराती बोलेंगे अंते और इंग्लिश में बोलेंगे दरेक, एवरी मंथ एंड, यानी मंथ के एंड में एक समान रकम का आहरण करता है, यानी कि ड्रॉइंग करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण 12,000 की है। वार्षिक आहरण इतले के गुजराती में सीखो हम बोल सकते हैं वार्षिक उपहार और इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल ड्रॉइंग, उसने 12,000 का किया हुआ है। यदि आहरण पे वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो, ध्यान रखना कितनी प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करना हमको, 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। गुजराती में बोलेंगे उपहार पर ब्याज और इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इतनी चीज़ें अगर आपको परफेक्ट याद हुए हैं और परफेक्ट आती हैं तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई भी सवाल आएगा, आहरण पे ब्याज का कोई भी सवाल आएगा, उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पे ब्याज की गणना तीन तरीके से होती, या तो वो प्रारंभ शब्द लिखा होगा यानी कि शुरुआत यानी कि बिगनिंग लिखा हो तो आपको हमेशा एन कितना लेना है 78/12। अगर मध्य यानी कि बच्चे यानी कि मिडल लिखा हुआ तो आपको एन हमेशा कितना लेना है 72/12। अंत यानी कि अंत्य लिखा हो यानी कि एंड लिखा हो तब आपको हमेशा एन कितना लेना है 66/12। इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए आपको एक इजी फॉर्मूला याद करना है, I=PRN/100। अब इस सम के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ था, इस सवाल के अंदर हमारे पास दिया हुआ था वार्षिक आहरण यानी कि एनुअल ड्रॉइंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले वार्षिक आहरण को मुझे मंथली में कन्वर्ट करना है यानी कि मासिक में कन्वर्ट करना है। कितना दिया हुआ है 12,000, तो इसे मैं मंथली में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा रखा हुआ है मासिक आहरण मासिक उपहार यानी कि मंथली ड्रॉइंग, इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एनुअल इनकम को मंथली में। तो अपने पास वार्षिक आहरण कितना था 12,000, मंथली में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं 12 से कर दूंगा डिवाइड। 12 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1। जो आंसर 1,000 आया है उसे मैं बोलूँगा पी, यानी कि पी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1,000। स्टार्टिंग में आपने सम रीड किया था वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट था, सर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12%। जब मैंने आपको सम रीड कराया तो वहाँ पे कुछ दिया हुआ था कि अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब काउंट करना है, तो यहाँ लिखा है प्रति मास के अंत में यानी कि एंड में काउंट करना है। कितना रेट है 12%, कब काउंट करना है प्रति मास के अंत में यानी कि एंड में। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट के तीन रूल लिख के रखे हुए, प्रारंभ मध्य और अंत, बिगनिंग मिडल और एंड। क्या बोला उसने, एंड में, यानी कि मुझे इस सम के अंदर एंड की वैल्यू कितनी
लेनी होगी 66/12। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू 66/12। मेरे पास पी आ चुका है, आर आ चुका है और एन भी आ चुका है। अब हमें हमारा सिंपल फॉर्मूला यूज कर देना है। आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1000। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ 1000 इनटू क्या था आर। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 12%। तो मैं आर के प्लेस पे लिख देता हूँ 12/100 इनटू एन। एन मुझे कितना लेना है 66/12। सर आप एन 66/12 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सब में क्या दिया हुआ था अंत यानी कि एंड लिखा हुआ था, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा 66/12। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 66/12। अब मैं केएलसी का यूज करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनुअल, दैट मीन जिसे मैंने मंथली में कन्वर्ट किया था कितना हो गया था 1000। उसका कितना परसेंट कर देता हूँ 12%। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1000 इंटू 12% कितना आ चुका है आंसर 120। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 इंटू 66/12 जो कि हमारा एन था। तो फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 120 इंटू 66/12। आपका आंसर आ चुका है 660। तो ये सवाल हो चुका है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हुआ है आप अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और 12th के कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए, जो भी चैप्टर आपको ईजी ना लगते काफ़ी टफ लगते, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं 100% वो वीडियो अपलोड करूँगा और आपके 100% एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के रूप में जिस तरीके से मैंने एंड का सॉल्व किया दैट मीन 66/12 का, आप चाहें तो प्रारंभ यानी कि बिगनिंग का सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको 66 की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा 78/12। अगर आप मिडल का सॉल्व करना चाहते हैं यानी कि मध्य का सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 66 के प्लेस पे सिर्फ क्या लगाना है 72/12। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आपके पास सिर्फ आप मोर देन 90 डेज है। 90 डेज में अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली 100% एग्जाम में आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। सभी को 90 डेज बाकी है, अभी से आपको जाग जाना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चला टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस तरीके से रेडी करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं 100% आपको सभी का सभी टाइम टेबल वाई वीडियो के माध्यम से पहुंचा ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच।